हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट स्क्वायर का कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन टू सेव अवर टाइम। अब टाइम सेव करना है तो हमें ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिक देखते हैं कैसे सीखते हैं। अब सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर करूं तो उसका यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा। जैसे 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है यूनिट प्लेस पे, 6 का स्क्वायर करूंगा 36 आता तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6। अब ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये टेबल बना रखा है मैंने। अब देखते हैं कि किस किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद सेम सेम बनता है। जब देखो मेरे पास कौन कौन से नंबर आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया और 9 आया। 1, 4, 5, 6 और 9 जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनकी यूनिट प्लेस के ऊपर ये नंबर होंगे। मतलब यदि 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो इस नंबर से एंड होने वाले जो नंबर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाले डिजिट्स आएंगी तो किस किस नंबर से बन सकता है स्क्वायर, स्क्वायर की ये डिजिट किस किस नंबर से बन सकती है। अब देखो 1 किस किस का रखा है, 1 और 9 का रखा है, तो 1 और 9 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट प्लेस के ऊपर मेरे को 1 मिलेगा। अब 4 की बात करूं तो 2 और 8 का जब स्क्वायर करूंगा तब मेरे पास यूनिट प्लेस के ऊपर 4 मिलेगा। 5 की बात करूं तो ओनली 5, 6 की बात करें तो 4 और 6, 9 की बात करें तो 3 और 7। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं कैसे इन चीजों का यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 5, 4, 4, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिट प्लेस की तरफ देखना पड़ता है। अब देखते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के ऊपर है 4, 4 किस किस का आता है, या तो 2 का आएगा या 8 का आएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बन गए यहाँ पे, या तो 2 या तो 8। अब यहाँ पे पीछे से मेरे को एक पेयर बना देना है, पीछे से जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो पीछे से एक पेयर बना दूंगा, उसके आगे जितने भी डिजिट बचते हैं मेरे को उसको चेक करना है कि किस किसके स्क्वायर के बीच में ये डिजिट आते हैं। तो 11 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास आएगा 121, 12 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 144, इन दोनों के बीच में आ रहा है 125। तो छोटे वाली जो संख्या है, इन दोनों में से जो छोटे वाली संख्या है उसको दोनों नंबर्स के आगे लिख देंगे। तो छोटे वाली संख्या क्या है मेरे पास, 11, दोनों के आगे मैंने लिख दिया 11। अब बात करते हैं कि या तो 112 होगा या तो 118 होगा, तो इन दोनों में से चूज कैसे करेंगे। अब देखेंगे 125 क्या 121 के नजदीक है या 144 के नजदीक है, जिसके ज्यादा नजदीक वो वाला नंबर हम चूज कर लेंगे। यदि छोटे नंबर के नजदीक छोटे वाला नंबर चूज करेंगे, बड़े नंबर के नजदीक आएगा तो बड़े वाला नंबर चूज करेंगे। अब देखते हैं 125 और 121 में कितने का फासला, 4 का फासला, 125 और 144 में कितने का फासला, मोर देन 4 का फासला। तो किसके ज्यादा पास में है, छोटे वाले नंबर के पास में है, छोटे वाले नंबर के पास में है तो कौन सा नंबर चूज करेंगे, छोटे वाला नंबर। इज दैट क्लियर।